For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. दोस्तों सलमान खान वीकेंड का वार पर जब आते हैं तो डेफिनेटली इंसाफ का पुतला बनकर आते हैं, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको वो बाहर का पर्सपेक्टिव बताते हैं कि बाहर कैसा जो है नज़ारा है और बाहर ऑडियंस उन्हें कैसे परसीव कर रही है। सो इस बार जब सलमान खान घर में आए हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वाट लगाई है श्रीसंत और सुरभि की, बिकॉज ऑफकोर्स जैसे हालात रहे हैं पिछले कुछ दिनों से घर के। श्रीसंत को सलमान जब डांट रहे थे तो उस वक्त श्रीसंत जो है वो वॉक अवे कर जाते हैं। यस, श्रीसंत वॉक अवे कर जाते हैं बिकॉज जिस तरीके से सलमान उन्हें कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं थी सुरभि को कॉल गर्ल कहने की, वो जो भी बिहेव कर रही थी, आपको कूल रहना चाहिए था, आपको काम रहना चाहिए था, कंपोज रहना चाहिए था उस टाइम पर, लेकिन आपने वो नहीं किया और आप कहीं ना कहीं आप इससे बाहर हो गए, आपने कॉल गर्ल कह दिया सुरभि को। हालांकि सुरभि को भी इक्वली डांट पड़ी, लेकिन श्रीसंत का वीकेंड का वार के एपिसोड से सोफे से इस तरीके से अचानक उठकर चले जाना, कोट वोट फेंक देना, आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द शो, ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है श्रीसंत की तरफ से भी और सलमान के साथ, जो कि आपको बाहर का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव भी बता रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, वहाँ पर सलमान की इंसल्ट करना इज़ रियली नॉट डन। सो आपको इस चीज़ पर क्या लगता है प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे अपने आंसर ज़रूर बताइए, और आपको क्या लगता है श्रीसंत का इस तरह का बिहेवियर जस्टिफाइड है या बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मुझे यार सच में ऐसा लगता है कि ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और इस चीज़ के लिए डेफिनेटली बिग बॉस को श्रीसंत को कुछ तो सज़ा देनी चाहिए। और बाकी बातें होती रहेंगी अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल मूवीज अड्डा एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट।